आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बीम को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। बीम यानी BIM को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। उसमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं और सुनते भी हैं कि बीम सीखना है, बीम की बड़ी ढेर सारी मार्केट में ओपनिंग है। जहां इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो वो बोलते हैं बीम आता है क्या, यानी BIM आता है क्या, और आप सोचते हो बीम सीखो तो सीखो कैसे। कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो खोल रखे हैं, उनको भी नहीं पता बीम में सिखाना क्या सिखा रहे। तो मैं आपको आज क्लियर करना चाहूंगा बीम सीखते कैसे। कई ढेर सारे लोग तो एक्स्ट्रा 10-15 सॉफ्टवेयर की लिस्ट बना रखे हैं, ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, यही बीम है। नहीं यार, इतना भी नहीं सीखना होता जितना वो लोग हवा बना देते हैं कि 10-15 सॉफ्टवेयर, इतनी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप फ्रेशर हो, आपके पास इतने पैसे कहाँ है कि आप 15 सॉफ्टवेयर सीखोगे फिर उसके बाद जॉब करने के लिए जाओगे। आप ये तो सोच के रखो कि यार मैं अभी फ्रेशर हूँ, बहुत इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे कॉलेज में 4 लाख रुपए लगाए हैं, तो अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं 15 सॉफ्टवेयर सीख के फिर बीम का जॉब सर्च करूं। जरूरत नहीं है। इस वीडियो को समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से आप बहुत कम पैसे में अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, यानी आप बीम के लिए तैयारी कर सकते हो, बीम कैसे आपको सीखना है। दोस्तों, आप सबने रेविट आर्किटेक्चर देखा होगा, मैंने भी लगभग उसके लगभग कई ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। मुझे ज्यादा रिस्पांस नहीं आया आप लोगों का, तो मेरे थोड़ा मन डिमोटिवेट हुआ, मैंने बीम के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। देखो यार, काम सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं होता, क्या लगता है लोगों को बीम नहीं सीखना है, ऐसा लगता है। तो आप रेविट आर्किटेक्चर आपने सीखा होगा, रेविट आर्किटेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर डालो, और रेविट आर्किटेक्चर के बाद आप रेविट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हो, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए और जहाँ पे आपको कम फीस में अच्छा कंटेंट मिले उसको समझने की कोशिश करिए और उसको अच्छे तरीके से सीख डालिए। रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, MEP सीखने की जरूरत नहीं है। बीम का दो पार्ट में बटा हुआ है, एक MEP वाला पोर्शन है और एक सिविल इंजीनियरिंग वाली प्रोफेशन है। फिलहाल MEP के लिए भी सिविल इंजीनियर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी आप MEP के लिए फंसोगे तो MEP में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर आपको जॉब करने में प्रॉब्लम जाएगी। 6 महीना 8 महीना भी लग सकता है आपको पूरी MEP को सीखने के लिए। बेटर होगा कि आप रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सीख लो, और इसके बाद इसी बीम का ही एक और सॉफ्टवेयर होता है टेक्ला, उसको सीख डालो। अगर आपने इन दोनों सॉफ्टवेयर को सीख डाला है तो बिलीव करिए आपका जॉब लगना तो आसान हो चुका है। अभी सॉफ्टवेयर और है जिनको हमको सीखना चाहिए, यानी कि हमारे पास नेविसवर्क है, नेविसवर्क भी सीखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और पैसे हैं तो आप सीख डालो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अभी मुझे सर स्टार्ट करना है, अपना जॉब सर्च करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ दो सॉफ्टवेयर सीखो, पहला है टेक्ला, दूसरा है रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट आर्किटेक्चर। इनको मिक्स कर लो अच्छे से और थोड़ा सा बीम के बारे में पढ़ लो। बीम इन द सेंस 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है आपको, आई बटन पे देख लीजिएगा। उसमें 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, 5D क्या होता है, 6D क्या होता है, 7D क्या होता है, मैंने पूरा बताया हुआ है। तो उनको अच्छे से पढ़ लो कि ये क्या होते हैं, और उसके साथ आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जाओ कंपनी में, उनको बोलो सर आई हैव अ दिस स्किल एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, और जो जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो जो उनके ग्रुप्स में जो जो उनको चाहिए वो सारी चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लो, और पढ़ के उनको जाओ बोलो कि सर मुझे ये चीज़ें आती हैं, डेफिनेटली फ्रेशर लेवल पे आपको जॉब लग जाएगी। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बीम के लिए लोग परेशान रहते हैं कि मैंने कई लोग देखा है, वो लोग मतलब कि 1.5-1.5 लाख रुपये चार्ज कर दे रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपये। कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं 4-4 लाख रुपये, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, 4-4 लाख रुपए चार्ज कर दे रहे हैं, और 4-4 लाख रुपए चार्ज में आपको बीम सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 4 लाख रुपए पाओगे कहाँ से। आप ऑलरेडी आपने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है अपने कॉलेज में, तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आप रेविट स्ट्रक्चर, रेविट आर्किटेक्चर और टेक्ला सीख लो, और आप बीम के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा बीम के कॉन्सेप्ट सीख लेना, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि फेस टू फेस राउंड में कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है, मैंने पीछे बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है कि हम लोग उसके लिए क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हम मटेरियल को कैसे एस्टिमेट करेंगे, और रेविट पे ही मैंने बताया है Part 1, Part 2, Part 3 सीरीज में किस तरीके से रेविट में एस्टिमेशन निकाल सकते हो। आप जाइए प्रॉपर उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको एस्टिमेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से थोड़ा सा सीख लिया ना, और आप जाते हो बीम की जॉब के लिए, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हायर यू बिकॉज यू आर फ्रेशर। आप फ्रेशर हो ना,
तो फिर इतना क्यों हम कर रहे हैं कि ये मतलब कि हम पूरा का पूरा, ये तो वही हो गया कि मतलब कि पूरा सेटअप स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। पूरा सेटअप अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर, तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा यार कैसे करूं, और स्ट्रेस में आपको पता है आपकी वर्केबिलिटी कम हो जाती है, पता है ना, आप सिविल इंजीनियर हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास टूल है, टूल अगर केवल रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है तो मैं आपको बोलता हूँ इस पर भी आप जॉब कर सकते हो। बीम में स्टार्ट करो, पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ। मैं बार बार पोर्टफोलियो क्यों बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो के बिना कुछ नहीं हो सकता है इस प्रोफाइल में। पोर्टफोलियो अच्छा से बनाओ और पोर्टफोलियो बना के आप प्रेजेंट करना स्टार्ट करो, कवर लेटर के साथ अप्लाई करो, लिंक्डइन पे करो अच्छे से, लिंक्डइन पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ाओ बीम इंजीनियर्स के साथ, क्योंकि देखो लिंक्डइन पर अगर बीम इंजीनियर्स है और एचआर है, बीम से रिलेटेड कंपनियों के एचआर है, उनको फॉलो करो, उनको पर्सनल मैसेज करो, अगर वो लोग जॉब डालते हैं नीचे इंटरेस्टेड, और अपना लिंक शेयर करो कि मेरा पोर्टफोलियो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से उनको प्रेजेंट करो और डेफिनेटली अगर इस तरीके से आप अपना 100% देंगे तो कंपनीज कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली सोचेगी कि यार ये बंदा अच्छा है, इस बंदे को करना चाहिए और इस तरीके से आपकी जॉब लग सकती है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट के बिना आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, कॉन्सेप्ट और पोर्टफोलियो उसकी जान होती है। कुछ लोगों ने मुझे रिज्यूमे भेजा, पीछे पोर्टफोलियो भेजा, अपना रिज्यूमे भेजा, सबने बोला सर मेरा रिज्यूमे आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, मीन्स इस तरीके से अपडेट कर दीजिए। तो प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि अगर मैं अभी रिज्यूमे एडिट करने लगूंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम जाता है, प्लस मेरी एक आदत है कि मैं जो काम करता हूँ बहुत परफेक्शन के साथ करता हूँ, तो मुझे पहले स्टडी करना पड़ेगा, मीन्स आपसे बात करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट क्या थे उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अफकोर्स अगर मैं काम करके दे रहा हूँ तो आप कहीं पर अप्लाई करो तो लगना चाहिए कि नहीं कुछ हुआ है। तो मैं चाहे घर बनाऊँ तो भी मैं अपना 100% देता हूँ, रिज्यूमे बनाऊंगा तो भी 100% देता हूँ, तो इसलिए वो चार्जेबल रहता है, ज्यादा चार्ज नहीं करते हम लोग, बट फिर भी चार्ज रहता है, जिससे कि हमारा भी माइंड हो जाता है कि ठीक है मैंने इनसे चार्ज लिया है, इसलिए इनको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करके देना है, ज्यादा अच्छी सीवी देना है। तो सीवी और पोर्टफोलियो दोनों हम लोग बनाते भी हैं, बट वो चार्जेबल रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दिन भर में मैंने 20-25 रिज्यूमे भी बनाया तो मेरा टाइम पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको बनाना है तो उसको कर लो, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको दे रखा है अपनी रिज्यूमे का फॉर्मेट, उसको देख के आप अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो कर लीजिए। और साथ ही साथ बीम को अच्छे तरीके से करने के लिए बीम के रिलेटेड ही पूरा का पूरा रिज्यूमे होना चाहिए, आपका रिज्यूमे दूसरे प्रोफाइल से मैच नहीं करना चाहिए। तो उसका थोड़ा बहुत थॉट होता है किस तरीके से करना है, क्या वर्ड रखना है, क्या की स्किल रखनी है जिससे आपकी जॉब लग सके। इस तरीके से अगर आप अच्छे से रिज्यूमे बना सकते हैं, अच्छे से पोर्टफोलियो बना देंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, और कवर लेटर जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको लगा है कि नहीं कि सर ने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया है, जैसा कि मैं पीछे भी देते आया हूँ, मैं डेली हमारी वीडियोस आती हैं दोस्तों, अभी हमने टाइम चेंज किया है अपने वीडियोस का, वीडियो का टाइम रखा है वो 5 o'clock रख दिया है, क्योंकि 5 o'clock हम लोग थोड़े से फ्री रहते हैं तो इजिली वहाँ पे पोस्ट हो जाता है, और मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप 5 to 6 के बीच में आप डेली आ सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बीआईएम इंजीनियरिंग। हाँ, लास्ट में आपको एक चीज और करना चाहूंगा कि आप जो अप्लाई करते हैं तो जिस रिज्यूमे को बनाते हैं उस रिज्यूमे में फुल पत्ती मत लगाइए, फुल पत्ती इन द सेंस कि जैसे कि सेल्फी ले रहे हो इस तरीके की फोटोज खींच के आप लोग डाल देते हैं, मैंने कई रिज्यूमे देखा है इतना ज्यादा डेकोरेट कर देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शादी के लिए भेज रहे हो, तो आप शादी के लिए नहीं भेज रहे हो, आप भेज रहे हो जॉब के लिए, ऐसा प्लीज मत करना। और साथ ही साथ कई लोग ऐसे कि इतना डेकोरेशन कर देते हैं कि सामने खोजना पड़ता है कि यार इसका स्किल कहाँ पे है, इस तरीके की चीजें नहीं, आपको एकदम क्लियर कट में दिखना चाहिए। और साथ ही साथ आपके साथ एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, जिस कंपनी के लिए आप भेज रहे हो उस कंपनी से रिलेटेड प्रोजेक्ट अगर आपने किया है, यानी अगर वो बिल्डिंग की कंपनी है और आपने रोड के लिए प्रोजेक्ट कर रखा है, तो आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा फायदे की एक चीज नहीं है। आपने अगर कोई बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया है, आपके ग्रुप ने किया है किसी ने, तो आप बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट डालिए, सामने वाले को क्या समझ आता है कि हाँ इनको बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने कॉलेज में इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रखा है, बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो ये छोटी सी टिप्स थे, इनको फॉलो करिए, और बीम के लिए आप सिर्फ रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर और टेक्ला सीख लीजिए, टाइम लगे तो नेविसवर्क भी सीख लीजिए, नेविसवर्क 4D के लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो नेविसवर्क क्या है, नेविसवर्क मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग आपको एनिमेट करके देता है कि जुलाई में आपका काम कितना हो जाएगा, अगस्त में आपका काम कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें वो करता है, काफी अच्छा रहता है अगर आपको इनको भी फॉलो कर लेते हो तो। ये 4 सॉफ्टवेयर आपके लिए इनफ है, ज्यादा फालतू के सॉफ्टवेयर सीखने फालतू नहीं होते, बट ये क्या होता है कि आप सीख लिए 15 सॉफ्टवेयर और जॉब पे आप जा रहे हो सब भूल चुके हो, वो अच्छा नहीं है, क्यों 2 सीख लो या 3 सीख लो, बट उनको इतना अच्छे से याद करो कि कहीं पे भी जाओ तो आपको उसके सारे टिप्स याद हो। कई लोगों में बोलता हूँ कि जब सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि मुझे कितना आता है,
सिर्फ आंख बंद करो और आपको याद आ जाए कि अच्छा ऑटोकैड की स्क्रीन ऐसे है, रेविट की स्क्रीन ऐसे है, टूल्स आपको आंख के सामने दिखने लगे, समझ जाओ आपने परफेक्ट के साथ सीखा है, परफेक्शन आपके अंदर बहुत अच्छी है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करना है जिससे कि आपको आगे भी इस तरीके से बीम से रिलेटेड वीडियोस मिले। और अगर आप चाहते हो बीम से रिलेटेड वीडियो ज्यादा है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना यार। आप लोग जब कमेंट करते हो बिलीव नहीं करोगे तुरंत, बहुत अच्छा लगता है कि यार मोटिवेट कर रहे हैं आप लोग, और उसकी वजह से फिर से हम लोग आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।